सर कितना टाइम हम 23 जून से मान सकते हैं कि मेंस उस दौरान में हो जाएगा? देखिए, समय सभी को बराबर मिला हुआ है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं मिला हुआ। अभी से शुरू करेंगे तो तीन चार बातें समझने योग्य हैं। पहली बात तो आप लोगों के पास एक शानदार मेंटोर जरूरी है, क्योंकि इट इज जस्ट रेस फॉर मेरिट। उस मेरिट में आने के लिए आपके पास मेंटोर होना चाहिए। उस मेंटोर बार बार आपको उससे डिस्कस करना होगा, सर मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है, मेरे को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, या मेरे को जैसे कभी मैं बेरेक्ट पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ और ले लिया, तो कभी कहीं फिक्स नहीं बैठ रहा है, कभी बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली, कभी कोई गाइड खरीद लाया, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी, स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे प्रीलिम्स पास होंगे तो वो उनके कोई परिचित मजिस्ट्रेट बन गया, कोई लड़का पुराने बैच में बन गया, उसके पास भागे भागे जाएंगे। अच्छा तू बता, अरे भाई उसकी स्थिति अलग थी और आपकी स्थिति अलग है, और वो कभी बता भी नहीं सकता। वो एक बार हो गया है पास, दोबारा एग्जाम दे तो जरूरी नहीं है कि दोबारा पास हो पाएगा, तो वो बता भी नहीं सकता क्योंकि उसे फेल होने के बहुत सारे अनुभव नहीं हैं। हमें हमारे जीवन में बहुत अनुभव है फेल होने के, हमारे अपने, और इतने सालों से स्टूडेंट्स के आरजेएस में कितने सारे आरजेएस कंटिन्यू कराए, तो हर एक तरह से हम ये जानते हैं कि कैसे कैसे किस स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए और कैसे उसके, तो हर स्टूडेंट की स्थिति अलग है। तो उसके पास एक मेंटोर बहुत अच्छा है, वो किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना, किसी जज के पास नहीं जाना, किसी और से नहीं पूछना, किसी इंटरव्यू देने वाले से नहीं पूछना, आप अपने टीचर से पूछो क्योंकि वो एक्सपर्ट है। दूसरा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट एरिया को तय करना। सिलेबस ले लिया, जो भी एक्ट ले रहे हैं, कोई सा एक्ट ले लिया, इनमें ये संभावित क्वेश्चन है। तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो आपने अभी एग्जाम दिया, जैसे 15 क्वेश्चन पूछ लिए 30 नंबर के, तो दो दो नंबर के तीन क्वेश्चन जो छोटे छोटे तीन तीन नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, उनमें बहुत शॉर्ट में लिखना है आपको, तो वो तो प्री वाले ही हैं जो प्री में आपने तैयारी की, लेकिन उन क्वेश्चंस को भी हर एरिया से वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उनमें उनको तय करना कि इम्पोर्टेंट एरिया ये है। आपको अपना एक सिलेबस बनाना है। सिलेबस कैसे बनाओगे, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स बनाओ। जैसे एक टॉपिक चला गया, हम प्रियम्बल में चले गए, दूसरे में चले गए फिर हम सिटीजनशिप में चले गए, तीसरे में चले गए तो फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में सब टॉपिक्स बनाइए अलग 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 अलग, तो उसमें 5-7 टॉपिक बनेंगे। फिर आप चले गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, ऐसे करके इम्पोर्टेंट पार्ट। तो बहुत ब्रीफिंग करनी है सबसे पहले कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो सिलेबस आपका है, कोई बात नहीं, जो सिलेबस आपका है उस सिलेबस को एलोबरेट करना है अलग 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 हिस्सों में। 10 से 15 पेज का सिलेबस तैयार होगा, 20 पेज का सिलेबस तैयार होगा। 20 पेज का सिलेबस किसका हो गया, क्रिमिनल लॉ का, 20 पेज का सिविल लॉ का। उसमें लगभग सारी चीजें आएंगी, बार बार आपको वही पलटना है, वही पलटना है, और ये काम कराएगा आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गुरु,